हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। CAA NPR और NRC को लेकर नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बड़ी बात कही है। सांसद ने दावा किया है कि CAA NPR और NRC से किसी भी भारतीय नागरिक का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सांसद ने लोगों से अपील की वो लगातार फैल रही भ्रांतियों पर ध्यान न दे। आपको बता दें कि CAA को लेकर सरकार के नुमाइंदे लोकल लेवल पर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इसी क्रम में नोएडा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र सिकंदराबाद में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान सांसद महेश शर्मा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। महेश ने आरोप लगाया कि CAA को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने पर लगा है। NRC पर हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, अभी ये भविष्य के गर्त का विषय है। अभी NRC की चर्चा ना कैबिनेट में हुई है, ना पार्लियामेंट में हुई है, ना कोई कहीं और चर्चा है इसकी। NRC का विषय जब समय आएगा तो आपको हम लोग सूचना देंगे हमारे उचित प्लेटफॉर्म से। एक समुदाय विशेष के अंदर एक भ्रम की स्थिति ये भी है कि अगर NRC लागू होती है तो NRC से जो लोग अपने कागजात नहीं दिखा सकेंगे वो NRC से बाहर कर दिए जाएंगे। हिंदू बाकी जो गैर मुस्लिम समाज के लोग होंगे उन्हें CAA के जरिए वापस कर लिया जाएगा, CAA के जरिए वापस कर लिया जाएगा। लेकिन NRC से जो मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर होंगे उनके लिए क्या सरकार क्या करेगी? देखिए, कहा पूरी क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जो 130 करोड़ देशवासी इस देश में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं, यह बिल उनके लिए नहीं है। जो कोई अवैध रूप से आए हुए हैं या और किसी धर्मावलंबी आना चाहते हैं, और ये जो बिल भी है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, आगे आने वालों के लिए नहीं है ये बिल दिसंबर 2014 से पहले के, तो इसलिए उससे पहले कोई भी जाति का धर्म का व्यक्ति रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसकी स्वीकार की जाए। अब जो आगे आएंगे हाँ उनको इस वो नहीं आ पाए। CAA के लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं संजय जी, CAA से जुड़ा एक सवाल है। JNU के अंदर जो हिंसा हुई है, एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक उसमें ABVP के छात्र उस हिंसा को भड़काने में रहे हैं, वो एक स्टिंग ऑपरेशन में कबूल किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज के अखबारों के पन्ने की अगर पहली पेज हम पढ़ें तो वहाँ बाकायदा रिकॉर्ड में क्या है कि वहाँ की अध्यक्ष IC घोष खुद हिंसा के अंदर है, फोटो समेत आपके सामने आया है, आज के फ्रंट पेज की खबर है। और JNU एक शिक्षा का मंदिर है, JNU राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। कुछ लेफ्टिस्ट पार्टियां भड़का कर भावनाओं को आगे बढ़ाकर, क्या वही JNU नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्या शर्म नहीं है, कलंक नहीं है JNU पर? ये कौन समर्थन दे रहा था इसको? सर, क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि आजादी किससे आजादी चाहिए? आजादी आपका प्रधानमंत्री गरीबी से आजादी दिलाना चाहता है, आपका प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से आजादी दिलवाना चाहता है। क्या भारत एक आजाद देश नहीं है? क्या कौन लोग हैं जो आजादी चाहती है? टुकड़े टुकड़े गैंग के जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। ये राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। और अब ये सिद्ध हो गया है कि स्वयं उस संस्था की IC घोष उस हिंसा के अंदर फोटो समेत पकड़ी गई है, ये उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया। स्टिंग ऑपरेशन में जो पुलवामा है उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए? वहां छात्र रह रहे हैं, वो छात्र किसी विचारधारा के हैं, ABVP के हैं, कोई कौन सा व्यक्ति किस रूप में बनकर किसके सामने क्या बोल रहा है, ये जांच का विषय है। जबकि पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने CAA को बेसहारों का सहारा बताया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।